हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी पर डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने लगातार वीडियो बनाए हैं। तकरीबन 1900 के स्तर से ये स्टॉक अब लगभग 5000 के स्तर को छू चुका है। और अब हम लोग इस वीडियो के जरिए ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस स्टॉक में अभी भी वो स्टीम बचा हुआ है कि ये 5000 के स्तर से अभी और भी ऊपर जा सकता है या फिर ये नीचे गिर जाएगा। इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे और ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो के आधार पर आप मोटिवेट ना हो और किसी भी प्रकार के किसी भी वीडियो में बाई और सेल का डिसीजन ना लें। आप अपना एनालिसिस खुद कर लें या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में आप बाई सेल का पोजीशन बनाएं। तो जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, उसका नाम मैं इस वीडियो के आगे में चर्चा में लाऊंगा। सबसे पहले इसके रेवेन्यू ट्रेंड को हम लोग देख लेते हैं कि इसके रेवेन्यू कैसे बढ़ रहे हैं। ये कंपनी FY12 में मात्र 3000 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट करती थी, जो कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं दोस्तों ये लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये FY21 में ये तकरीबन 12000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की है। तो पीरियड अंडर कंसिडरेशन में इसके जो रेवेन्यू है दोस्तों, ये 3 times से हम लोग बढ़ते हुए देखे हैं। इसके रेवेन्यू में कभी भी देखिए गिरावट देखने को नहीं मिली है, ये लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात है और इस कंपनी के इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी बात है कि इस कंपनी के बिजनेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिजनेस तो बढ़ रहे हैं, इस बिजनेस से वो अपना नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है कि नहीं, ये भी देखना एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट के मामले में नेट प्रॉफिट भी ये FY12 में तकरीबन 420 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करती थी, जो कि 2021 आते आते कितना हो गया दोस्तों, ये तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास हो गया। तो इनके नेट प्रॉफिट में कितना जंप हुआ दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 5 times। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसके रेवेन्यू बढ़े थे 3 times, ठीक है, और इनके नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं 5 times। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छे ढंग से बिजनेस रन कर रही है, जिसके चलते इसके रेवेन्यू 3 times बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट 5 times बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मार्जिन की, कि मार्जिन क्या है इस कंपनी का बिजनेस करने का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि एवरेज मार्जिन इस कंपनी का, अगर हम लोग ये लाइन खींच देते हैं तो ये तकरीबन 13% के आसपास देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये FY21 में तकरीबन 16% का मार्जिन ये रिपोर्ट किया। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके ग्राफ को देख करके, मार्जिन के ग्राफ को देख करके, कि इसके मार्जिन लगातार कंसिस्टेंट बने हुए हैं और ये ऑन एन एवरेज 13% की मार्जिन लेकर के ही बिजनेस करती है, जो कि इस कंपनी के इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी बात है। किसी कंपनी के फंडामेंटल को चेक करने के लिए उसके डेट बर्डन को भी चेक करना सबसे अहम होता है। तो हम लोग ICR रेशियो देखें इस कंपनी की, तो फिलहाल ये FY21 में इनके ICR रेशियो तकरीबन 34 times देखने को मिल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस कंपनी के डेट लेवल काफ़ी मैनेजेबल कंडीशन में है, यानी कि अच्छे हैं। और ये कंपनी के ऊपर जिस प्रकार के भी डेट हैं उसके इंटरेस्ट बर्डन को ये बियर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। कहीं पर फंडामेंटली डेप्ट के हिसाब से इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब अगर दोस्तों ये कंपनी हर तरह से ठीक दिख रही है, इसके सेल्स बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, डेट बर्डन काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो रिजर्व भी देख लेते हैं। तो रिजर्व भी देखिए FY12 में तकरीबन 1100 करोड़ का रिजर्व इनके पास था, जो कि FY21 में आते आते तकरीबन 7000 करोड़ से ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इनके रिजर्व में हम लोग 7 times का जंप देख रहे हैं।
तो हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे ढंग से बिजनेस कर रही है, इसीलिए इनके सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी इंप्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसने जो क्वार्टर वन के नतीजे प्रस्तुत किए हैं वो कैसे देखने को मिले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके पास्ट के परफॉर्मेंस देखे हैं, लेटेस्ट परफॉर्मेंस इनके करंट जो रिजल्ट आए हैं उससे हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मार्च क्वार्टर में ये कंपनी 3269 करोड़ 3269 का रेवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि क्वार्टर वन में बढ़कर के यानी जून क्वार्टर में बढ़कर 3462 होता हुआ देखने को मिला है। और तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि इसके रेवेन्यू में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ये 2949 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि बढ़ करके इस बार 3462 होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके न केवल ईयर ऑन ईयर बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इनके रेवेन्यू में तो जंप हुआ, नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 417 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि ये इस बार जून क्वार्टर में बढ़ करके 496 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में काफी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। वहीं अगर हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो इनके मार्च क्वार्टर में 545 करोड़ के हम लोग नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, जो कि जून क्वार्टर में हम लोगों को घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इनके रेवेन्यू तो बढ़े लेकिन नेट प्रॉफिट घट गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका कारण ही है कि सारे आईटी कंपनियों ने जबरदस्त फ्रेशर की बहाली की है, रिक्रूट किया है, क्योंकि इनके जो ऑर्डर बुक हैं वो काफी तगड़े हैं और इन्हें समय पर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके देना होता है, इसलिए इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रिक्रूटमेंट किए हैं और उसका सीधा सा प्रभाव इनके मार्जिन पर देखने को भी मिल रहा है, नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। इनके रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं लेकिन नेट प्रॉफिट हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्जिन में भी इसी कारण से हम लोगों को दबाव देखने को मिल रहा है, इनके मार्जिन हम लोगों को घटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जो इन्होंने रिक्रूटमेंट किया है, इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्गर समय में इस कंपनी के ऊपर अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि इनके ऑर्डर बुक काफी तगड़े हैं और इस सारे प्रोजेक्ट जो है काफी सही समय पर एग्जीक्यूट करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर पाएंगे और इन्हें फ्रेश ऑर्डर बुक भी मिलने की उम्मीद रहेगी। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो ये देखिए, ये लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और ये 4949 पर क्लोजिंग दिया है। हालांकि दोस्तों अगर आप इसके प्राइस को देखोगे तो इसने कल ही लाइफ हाई बनाया था और 5000 से ऊपर का स्तर इस स्टॉक ने पहली बार छुआ है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस स्टॉक में काफी तेजी बनी हुई है। और अगर हम लोग इसके रिटर्न प्रोफाइल को देखें तो ये देखिए, पिछले एक महीना में तकरीबन 13% का शानदार रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीना में तकरीबन 30% का शानदार रिटर्न दिया है, ईयर टू डेट इसने 34% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, यानी कि ये स्टॉक पिछले एक साल में 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। अब पिछले 5 साल में इसने 644% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी कि पिछले 5 साल में इसने अपने निवेशकों का पैसा 7 गुना से ज्यादा करके लौटाया है। तो आप जैसा कि हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग देखने को मिले थे, कंपनी काफी अच्छा सेल्स और नेट प्रॉफिट लगातार रिपोर्ट किया, तो इसके जो रिटर्न है वो भी काफी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। और इसने अभी हम लोगों ने देखा कि क्वार्टर वन के भी नतीजे काफी शानदार पेश किए हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये स्टॉक इन स्तरों से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट लगातार इंप्रूव होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों हम लोग सीधे टेक्निकल चार्ट पर आ जा रहे हैं, और ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो इंडिकेटर्स लगाए हैं 200 डेज एमा, 100 डेज एमा और 50 डेज एमा का, और स्टॉक प्राइस LTI का इन तीनों ही इंडिकेटर से काफी ऊपर निकल करके ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक काफी बुलिश फेज में चल रहा है। और बुलिश फेज में चले क्यों नहीं दोस्तों, इसके रिजल्ट रेगुलर बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अब ये स्टॉक जो है दोस्तों
5000 के लेवल को पार करके कुछ नीचे जाकर के क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसने तकरीबन 4400 के स्तर पर काफी दिनों तक अपने निवेशों को झेलाया है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब ये स्टॉक इन स्तरों से कहां तक जा सकता है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं उसके सहारे के अनुसार अगर हम लोग बोले दोस्तों, तो जो इमीडिएट लेवल निकल करके हम लोगों के सामने आ रहा है उसके लिए हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं। ये हम लोगों ने खींच लिया तो जो लेवल दिख रहा है दोस्तों वो तकरीबन 7113 रुपए का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में तकरीबन 7000 के लेवल को छू सकता है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। और ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार हम लोग ये एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो 7000 का लेवल है ये तुरंत नहीं आने वाला है, इस बीच में इस स्टॉक में काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी निवेशक इस स्टॉक में लंबे अवधि के लिए बने रहेंगे वो आसानी से 7000 पर इस स्टॉक को ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे आने वाले दिनों में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा, और अगर आपके भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर मुझे बताएं, मुझे भी खुशी होगी। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।